हे गाइस, वेलकम बैक टू अदिंग स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे साउंड के ऊपर। एंड पिछली वीडियो में हमने साउंड के बारे में पढ़ा था, ठीक है गाइस। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी, वो आई बटन से देख सकते हैं, ऊपर आ रहा है वहां पे। एंड अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट रहता है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं। एंड अगर आपको वो नहीं करना है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। फॉर एनी डाउट कॉल और सेंड द डाउट ऑन दिस नंबर, ठीक है गाइस। कैट का साउंड क्या है? वाह भाई, बड़ी क्यूट कैट है, देख सकते हैं, ये कैट है हमारी। एंड इसका साउंड, ये जो कैट है, ये कैसा साउंड करेगी? मियाओ करेगी, ट्रम्पेट करेगी, क्रॉक करेगी, या स्विप करेगी? तो जिनको नहीं पता कि कैट के साउंड क्या कहते हैं, मैं बता दूं, उसे मियाओ कहते हैं। एंड नाउ वी यू शुड आस्क द क्वेश्चन दैट बी सी एंड डी ऑप्शंस आर ऑफ विच एनिमल साउंड्स, यानी बी सी एंड डी ऑप्शंस जो हैं कौन से एनिमल्स के साउंड है। तो आपका ये जो ट्रम्पेट है, आपका एलिफेंट का है, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट। क्रॉक आपका फ्रॉग का है, ठीक है। स्ट्रिपिंग आपकी जो है बर्ड्स की है, ठीक है, बर्ड्स की ट्रिपिंग होती है। फिर है आपका द ट्रिपिंग इज द साउंड ऑफ, ट्रिपिंग किसकी साउंड है? तो अभी हमने पढ़ा कि बर्ड्स की साउंड होती है। फिर कैट की साउंड क्या होती है, हमने पढ़ा अभी, वो होती है मियाओ, मियाओ। एंड मंकीज की क्या साउंड होती है? होती है स्क्रीमिंग, स्क्रीम। वो लोग स्क्रीम करते हैं, मंकीज जो होते हैं स्क्रीम करते हैं। डॉग्स क्या करते हैं? बार्किंग करते हैं, क्या करते हैं? बार्किंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड विच आर अनप्लेजेंट टू हियर आर कॉल्ड, जो साउंड्स अनप्लेजेंट होती है सुनने में, उन्हें क्या कहते हैं? अनप्लेजेंट का मतलब ये होता है कि आपको अच्छी नहीं लग रही है, यानी मैं आपको आपके सामने बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स लगा के 2-3 घंटों तक चला दूं, तो आपको बिल्कुल इरिटेटिंग सा फील होगा, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगेगा, तो उसे हम कहेंगे एज अनप्लेजेंट। अब अनप्लेजेंट साउंड के को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, उसे हम क्या कहेंगे? नॉइस, म्यूजिकल साउंड, मेलोडी एंड नन ऑफ दिस। सो हम लोग अनप्लेजेंट साउंड को हम नॉइस कहते हैं, ठीक है गाइस, नॉइस कहते हैं। म्यूजिकल साउंड उसे कहते हैं जब हम लोग ये प्लेजेंट दिया होता, अगर ये प्लेजेंट दिया होता तब ये होता आपका म्यूजिकल साउंड, बट इट वॉज गिवन अनप्लेजेंट, क्या दिया था आपका? अनप्लेजेंट, ठीक है। प्लेजेंट होगा तो म्यूजिकल साउंड मारना है, अनप्लेजेंट होगा तो नॉइस मारना है। द वाइब्रेटिंग पार्ट ऑफ ए फ्लूट इज, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फ्लूट डाल दिया है। तो देखिए, ये फ्लूट का ये एयर कॉलम है, ये क्या है आपका? ये आपका एयर कॉलम है। तो जब मैं इसके अंदर फूकूंगा तो ये एयर कॉलम वाइब्रेट होगा। एंड यहाँ पूछा है वाइब्रेटिंग पार्ट ऑफ फ्लूट इज, तो ये एयर कॉलम वाइब्रेट हो रहा है और उसी से आवाज जनरेट हो रही है। तो क्या यहाँ पे हमारा वाइब्रेट कर रहा है, हमारा एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा है, उससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो साउंड कौन प्रोड्यूस करता है फ्लूट में? वो एयर कॉलम प्रोड्यूस करता है। एंड द वाइब्रेटिंग पार्ट ऑफ फ्लूट इज ऑल्सो द एयर कॉलम ओनली, क्योंकि हम फूक भी उसी में है एंड साउंड भी उसी से आ रही है। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन का आंसर है एयर कॉलम, ठीक है। देन है आपका द पार्ट ऑफ वीना प्रोड्यूसेस साउंड, विच पार्ट ऑफ वीना प्रोड्यूसेस साउंड, कौन सा वीना का पार्ट जो है साउंड प्रोड्यूस करेगा? तो देखिए, ये वीना है, मैंने डाल दी है। अब इससे देखिए, ये स्ट्रिंग्स जा रही है यहाँ से, स्ट्रिंग्स जा रहे हैं। अब यही, जब आप इन स्ट्रिंग्स को ऐसे हिलाएंगे, ऐसे करके स्ट्रिंग्स हिलाएंगे, तो क्या होगी? स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करेंगी,
वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जो है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पे जो चीज है, वो है आपकी क्या, स्ट्रिंग्स। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग्स आपकी जो है आवाज प्रोड्यूस कर रही है। फिर नेक्स्ट है ड्रम प्रोड्यूसेस साउंड थ्रू। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है ड्रम का फोटो। ये ड्रम, मैं अभी स्टिक को पकड़ के ड्रम को बजा रहा हूँ। तो ये जो पोर्शन मैं यहाँ पे ये बजा रहा हूँ, ये पोर्शन वाइब्रेट हो रहा है एंड वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। सो ये पोर्शन के अंदर ये पोर्शन वाइब्रेट कर रहा है एंड इस पोर्शन का नाम क्या होगा फिर, इसका नाम है मेमरेंस। एंड इसी जब ये बजा रहा हूं मैं, तो जो जहां पे ये वाइब्रेशन एंड साउंड क्रिएट हो रही है, उस जगह का नाम क्या है इसमें पूछा गया है। तो उसका नाम क्या है हमारा, मेमरेंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेंज ऑफ साउंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब यहाँ पे ये कैरेक्टराइज्ड, ये वर्ड आप ध्यान में रखिए, ये कैरेक्टराइज का मतलब है कि टेल टेल दैट साउंड इज, दैट साउंड इज, साउंड इज लो और हाई। यानी ये बताता है कि जो साउंड है ज्यादा है कि कम है। तो क्या आप लाउडनेस के जरिए बता सकते हैं कि साउंड ज्यादा है कि कम है? जैसे कि मैं ये नोट है, मैं इस नोट से बजा रहा हूँ, ऐसे बजा रहा हूँ, तो ये क्या है, लाउडनेस आ रही है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये लाउडनेस के जरिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ज्यादा साउंड है। एंड मैं ऐसे बजा रहा हूँ तो लाउडनेस के आधार पे ही मैं बता रहा हूँ कि दिस साउंड इज लो एंड दिस साउंड इज हाई। ठीक है, तो हम साउंड को कैरेक्टराइज करते हैं, हम लोग साउंड को कैरेक्टराइज करते हैं लाउडनेस के माध्यम पे। बाय विच सेंस ऑर्गन वी यूज टू हियर साउंड। कौन से सेंस ऑर्गन के द्वारा हम लोग जो है साउंड को हियर करते हैं? तो हम लोग ईयर के जरिए जो है हियरिंग करते हैं। ठीक है गाइस, ईयर हियर ऐसे याद कर सकते हैं, कैसे, ईयर इज टू, ईयर इक्वल टू हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउंड इन ह्यूमन बीइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय। ह्यूमन बीइंग में जो साउंड होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? तो देखिए यहाँ पे हम जो है एयर ड्रम का तो यूज नहीं करने वाले हैं, फिर नोज का भी हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि नोज से तो हम सूंघते हैं, ईयर कनाल भी नहीं यूज करने वाले हैं, तो वोकल कॉर्ड यूज करते हैं। लेकिन ये वोकल कॉर्ड प्रेजेंट कहाँ होता है सर? ये वोकल कॉर्ड जो होता है आपकी गले में प्रेजेंट होता है। ये देखिए ये वोकल कॉर्ड का तस्वीर है, ये है आपका वोकल कॉर्ड। ठीक है गाइस, फिर है आपका साउंड यूजुअली प्रोड्यूस बाय डॉल्फिन्स। अब ये मैं कहूंगा ये बहुत, यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, इस चैप्टर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने डॉल्फिन्स की साउंड मैंने क्लास में भी नहीं बताई। अब आपको यहाँ पे यूज करना है आपका दिमाग, आंसर अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए इसको। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया है। तो देखिए ये डॉल्फिन है और डॉल्फिन्स यूजुअली, यानी ज्यादातर टाइम्स पे कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती हैं? तो वो जो है इनमें से आपको बताना है। तो क्वैक तो पहले आपका डक कर लेगा, कौन कर लेगा, डक। ट्रिप कौन कर लेगा, आपका बर्ड कर लेगा। एंड स्क्रीम कौन कर लेगा, आपका मंकी कर लेगा। तो इससे पता चला कि क्लिक जो है डॉल्फिन्स करती है, लेकिन ये क्वैक क्वैक मैंने इसके बारे में भी नहीं बताया, लेकिन हम सुनने से लगता है जैसे कि ये हाँ डक बोल रहा है। कार्टून्स में भी आपने सुना होगा द साउंड ऑफ ए स्नेक। स्नेक की साउंड क्या होती है? क्रॉक, ट्रम्पेट, बाक, हिस। तो क्रॉक जो होता है आपका फ्रॉग करता है, ओके इसे मिटाओ यहां से यार, फ्रॉग करता है आपका क्रॉक। ठीक है, फ्रॉग। ट्रम्पेट आपका करता है एलिफेंट, एलिफेंट। बार करता है आपका डॉग।
तो हिस कौन कर देगा आपका? ये स्नेक करेगा, और कौन करेगा भाई, क्योंकि एक ही ऑप्शन ना बचा है। अब बहुत सारे ऑप्शन थोड़ी बचे हैं कि हम और टिक और उसको निकालेंगे। सो दैट्स व्हाई साउंड ऑफ ए स्नेक इज हिस करता है, ठीक है गाइस। साउंड कैन ट्रेवल इन, वाह भाई इतना आसान सवाल। ऑल ऑफ द अबव, साउंड सॉलिड लिक्विड एंड गैस सब में ट्रैवल करता है, सभी मीडियम्स में ये ट्रैवल करता है, ठीक है गाइस। लाउडनेस इज मेजर्ड इन, लाउडनेस को हम किस में मेजर करते हैं? तो हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। अब सर बताओ ये तीन ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये तो थोड़ा सा बता दो। तो देखिए आपका एम मीटर जो है एक डिवाइस है, क्या है आपका ये डिवाइस है। अब इस डिवाइस के ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम साउंड का चैप्टर पढ़ रहे हैं एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर साउंड चैप्टर, ठीक है गाइस। वैसे ये मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता दूं कि करंट को मेजर करने में मदद करता है, क्लास 10th में आपको इसमें डिटेल ही बताएगा। वैसे मैं आपको साइंटिफिक डिवाइसेस के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है गाइस, उसे आप देख लीजिएगा। फिर किलोमीटर क्या होता है सर? किलोमीटर आपका डिस्टेंस नापता है, डिस्टेंस और लेंथ, ठीक है। एंड फिर लीटर आपका फ्लूइड नापता है, फ्लूइड, ठीक है गाइस, फ्लूइड नहीं तो उसका वॉल्यूम बताता है, ठीक है गाइस। फिर हम लोग साउंड को इसका मतलब डेसिबल में नापते हैं, किसमें नापते हैं? डेसिबल में। नॉर्मल ब्रीदिंग ऑफ लाउडनेस, जो मैं अभी सांस ले रहा हूं, ये कितनी लाउडनेस की थी? तो ये 10 dB की लाउडनेस पे होती है नॉर्मल ब्रीदिंग, ना कि ये वाली ब्रीदिंग नहीं कह रहा हूं मैं। साउंड प्रोड्यूस बाई एवरेज फैक्ट्री इज अप टू, एवरेज फैक्ट्रीज कितना प्रोड्यूस करती हैं साउंड? तो वो 80 dB तक करती हैं, ओके गाइस। फिर है साउंड रीचेस टू और ईयर्स, भाई हमारे ईयर्स तक जो साउंड है वो कैसे रीच करता है, यानी कि जो भी साउंड तो कैप्चर हो गए लेकिन ब्रेन तक कैसे जा रही है? वो ऑडियोटोरी नर्व के जरिए जा रही है। देखिए यहाँ पे मैंने इमेज के अंदर फुल ऑडिटोरी नर्व दिखाया है, देखिए ये फुल ऑडिटोरी नर्व सिस्टम है, ठीक है, ये ऑडिटोरी नर्व फुल एक सिस्टम है गाइस, ठीक है गाइस। फिर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन हैविंग पार्शियली हियरिंग लॉस कैन हियर प्रॉपरली बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड, एक पर्सन को जिसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता है वो कौन से डिवाइस के जरिए प्रॉपरली हियर कर सकता है? हियर एड, हियरिंग एड, सोनोमीटर, म्यूजिकल एड, साइलेंसर। तो वो हियरिंग एड का यूज इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये फोटो में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये फोटो में ये आपका हियरिंग एड है, ये आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होता है गाइस, ठीक है, देख सकते हैं इस यहाँ पे लगाया जाता है आपके कानों में, ठीक है गाइस। एंड यहाँ पे ये जो डिवाइस लगता है, ये देखिए ये डिवाइस, ये आपका सारी बाहर की साउंड को कैप्चर करता है एंड देन इस पाइप के जरिए इसके अंदर ये आवाज डालता है, ठीक है गाइस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट मीन्स। सो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर हो चुका है फिनिश एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है चेंजेस इन आवर सराउंडिंग, जिसके अंदर हम फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहे हैं सब जानेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले आपको। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।